हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, आज मैं जिस प्लांट के बारे में बात कर रहा हूँ उसका इंग्लिश नेम कोलियस है। ये बहुत ज़बरदस्त प्लांट है, बड़ा खूबसूरत और देखने में मनमोहक प्लांट कहा जा सकता है इसको। लेकिन उससे पहले आज की अच्छी बात फ्रेंड्स मिलजुल के साथ रहने में है। फ्रेंड्स, अपनों के साथ रहने में है, और जब हम सब साथ रहते हैं तो बड़ी ताकत बनती है। वो जिस तरह अपने हाथ की उंगलियां अगर अलग हो जाए तो कमज़ोर पड़ जाती है, अगर वही उंगलियों को एक जगह जमा कर दो तो बड़ी ताकतवर मुट्ठी बन जाती है। तो इसी तरह अपने अपनों के साथ रहें और खुश रहें। फ्रेंड्स, आज के वीडियो मेरा कोलियस पे है। ये प्लांट बहुत खूबसूरत और बड़ा हार्डी प्लांट है, बड़ा आसानी से लग जाता है। मेरे पास काफ़ी इसके वैरायटीज़ हैं और काफ़ी कलर्स हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इसका प्रोपोगेशन होता है और बड़ा आसानी से लग जाता है। फ्रेंड्स, मैं पहले तो इसको एक कटिंग से लगा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। मैं ये छोटा सा वीडियो बनाया आपके लिए। ये बड़ी आसानी से कटिंग से लगता है, हमको इसके पूरे पत्ते भी निकालने की ज़रूरत नहीं, इसके जितने लीव्स हैं निकालने की ज़रूरत है। जस्ट हमको एक 3 इंच या बड़ी मुश्किल से 4 इंच का एरिया साफ़ करके रखना है, और उसको हम 1 से 2 घंटे या उससे ज़्यादा अगर हो सकता है तो पानी में डिप करके रखना है। ये आप जब पानी में डिप करके रखेंगे तो फ्रेंड्स ये अच्छी तरह पानी सोख लेगा अंदर, और पानी जब्स हो जाएगा और ये 24 आवर्स तक ये पानी इसका काम करेगा। इसको प्रोपोगेट करने के लिए, इसको जान में जान आने के लिए ये पानी बड़ा काम आता है। इसको हम पानी में डिप करके रखेंगे। तो मैं तो सिर्फ एक से डेढ़ घंटा इसमें पानी में रखा, और उसके बाद इसको कटिंग को मैं लगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास काफ़ी कलर्स हैं, लेकिन मैं आपको 1-2 कलर लगा के बताऊंगा कि किस तरह इसको करना है। मैं अपनी गार्डन सॉइल ले लिया हूँ, जिसको अच्छी तरह मैं उसको मतलब बारीक से साफ़ कर लिया हूँ एकदम, उसमें कोई पत्थर वगैरह नहीं है। और अपना कॉडंग जो होता है, गोबर की खाद जो अच्छी तरह डिकम्पोज हो गई है, वो मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ। और इसको एकदम मतलब वेल ड्रेन सॉइल चाहिए फ्रेंड्स। इसको ज़्यादा हार्डी सॉइल या चिकनी मिट्टी पे नहीं लगाओ। अब आप वेल ड्रेन सॉइल जिसमें सैंड मिक्स हो, 50% एटलीस्ट सॉइल चाहिए इसको स्टार्टिंग में। बाद में आप इसको रिपोर्ट करने के लिए आप नॉर्मल कहीं पर भी रिपोर्ट कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरह पहले से मैं पानी दे दिया, और ये पानी में अच्छा भीग गई है पूरी सॉइल मेरी, और एकदम सॉफ्ट हो गई है। बड़ी आसानी से ये मेरा रॉड अंदर जा रहा है। इसको देखिए आप, ज़्यादा तकलीफ करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, ये बड़ी आसानी से लग गया है। ये इसमें हम जो पत्ते जहाँ से निकाले थे उतना ही हम अंदर दबा देंगे और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, ताकि इसमें एयर पॉकेट ना हो, इसमें एयर ना हो। अगर एयर रहेगा तो फिर फंगस होगा और फिर आपका प्लांट लगेगा नहीं। थोड़ा सा हम प्रेस कर देंगे तो एयर पॉकेट उसके हट जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स इसको हम अच्छे से पानी दे देंगे। और फ्रेंड्स, ये ज़्यादातर प्लांट ज़्यादा शेडी एरिया में नहीं लगेगा। इसको हल्की सी मॉर्निंग की धूप अगर मिलती है तो ये बहुत अच्छी तरह ग्रो करेगा, और बड़ा खूबसूरत और एकदम कलर भी इतने ज़बरदस्त आएंगे इसके कि आप देखते रहेंगे, क्योंकि इसके कलर तो आप जब भी लगाएं इसको थोड़ी सन एरिया देखकर लगाएं। लेकिन जब हम कटिंग लगाते हैं फ्रेंड, तो उसको कुछ दिन के लिए शेडी एरिया में रखें, और शेडी एरिया से आप जब गमले में इसको लगा देंगे, और जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे, ये कम से कम 1-9 इंच की अगर हो जाए, तो जब आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं कहीं पर भी जहां पर धूप हो। अगर धूप होगी तो ये कुछ इसमें, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट है ये जो धूप बर्दाश्त नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो धूप बर्दाश्त कर सकते हैं। अब इसमें हमको देखना पड़ेगा कि कौन से हैं, लेकिन मेरे पास जितने भी हैं सब बाहरी है, आउट्स है पूरे। और मैं जो रोड का किनारा है मेरा, जो मेरे फार्म हाउस पे जाने का किनारा है, उस किनारे के अतराफ लगे हुए हैं साइड में।
और बड़े अच्छी तरह ग्रो हो रहे हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये सारे प्लांट्स मैं कटिंग से ही लगाया हूँ। पहले तो मैं इसको कटिंग से पूरे प्रोपेगेट कर लिया था, इसके बाद कुछ प्लांट को मैं फिर से कट करके गमलों में लगाया हूँ, आपको दिखा सकता हूँ अभी। ये बड़ा खूबसूरत प्लांट है, होता है, और इसमें कई कलर्स है, कई कलर्स, जितने कलर्स मेरे से हो सकते थे फ्रेंड्स मैं जमा किया हूँ, लेकिन और भी इसमें कई कलर्स हैं जो मैं अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा और कलर्स जमा करने की, तो कुछ टाइम और लगेगा मेरे पास, और कलर्स आएंगे, लेकिन बेहतरीन कलर्स, सबसे अच्छा कलर तो मेरे को यही दिखता है जो आपके सामने है इस वक्त। बड़ा खूबसूरत है ये, बहुत ही प्यारा कलर दिखता है इसमें, और एक कॉफ़ी कलर भी आ रहा है, कॉफ़ी में ग्रीन कलर है, वो भी बड़ा प्यारा कलर है। आप देखिए, बड़े ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ है मेरे पास, और इसको फ्रेंड्स मैं जब ये ख़ुद से जब इसके लीव्स आना शुरू हो गए उसके बाद मैं इसमें, और फ्रेंड्स ये कलर जो मैं आपको बोल रहा था, ये थोड़ा ग्रीन में कॉफ़ी टाइप का कलर आता है इसमें, और मेरे को ये भी कलर बड़ा प्यारा दिखता है। वैसे हर कलर में ये बड़ा खूबसूरत प्लांट है, आप भी अपने घर पे लगाइए, बड़ा आसान है, कोई तकलीफ़ नहीं है, आप 4 इंच से 6 इंच तक की इसकी कटिंग लेके लगा सकते हैं। ये देखिए, अंदर से एकदम बेहतरीन ग्रो हो रहा है। और फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर ठीक है तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं अभी चैनल पे नया हूँ, और जो भी मुझे सही सही नॉलेज मिलती है वही मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जितना मालूम है उतना ही मैं बताता हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ और जानकारी हासिल करने के लिए। फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मेरे को, 4 से 5